तो कैसे हो आप लोग? होपफुली आपको पिछली वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत मेहनत से उसको एडिट किया और बहुत मेहनत से उसको बनाया, उसको बहुत मेहनत से मैंने उसको एडिट सब कुछ किया और उसमें बहुत मेहनत लगी, 3 घंटे लगे। और पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, पर ना तो आप लोग कमेंट करते हो ना कुछ करते हो। खैर वो सब छोड़ो, आज हम लगाएंगे चेस्ट और ट्राइसेप। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि शोल्डर और लेग मालिक शोल्डर और लेग खाली में एक पूरा लगाता हूँ और चेस्ट और ट्राइसेप मैं कॉम्बिनेशन में लगाता हूँ और बैक और बाइसेप। चलो आज हम चेस्ट और ट्राइसेप लगाएंगे और आज आपको पूरा वर्कआउट दिखाते हैं। पहले तो हम पुशअप मारेंगे। वो पुशअप नॉर्मल वाले पुशअप तो नहीं होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं तो वो नॉर्मल वाले पुशअप ही मारे, जो लोग नए नहीं हैं वो ये वाले पुशअप मारे। पहले हम मारेंगे पुशअप जो कि स्पेशली चेस्ट के लिए है, तो दिखाते हो कैसे मारेंगे। पहले आपको डंबल लेना है, डंबल थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए, जितना उठा हुआ होगा उतना आपके लिए आसानी से पुशअप मारना, जितना नीचे होगा उतना आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी पुशअप मारने की। क्योंकि मेरी इंटेंसिटी बढ़ी हुई तो मैं डंबल थोड़े कम हाइट का ही लूँगा। इसके लिए मैं सुपर सेट लूँगा इसका और इसका, मैं वो लूँगा मतलब दोनों कॉम्बिनेशन में मॉब मारूंगा ताकि मेरी चेस्ट बहुत ज़्यादा ब्लड पंप हो जाए चेस्ट में। चलो शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। इसका तो क्लिप ही नहीं था भाई, इसलिए हल्का है तो आप लोग जो हल्का हो इतना नहीं है। पूरा पीछे लेके जाओगे पूरा, अब हम फिर से रिपीट करेंगे। डंबल तो यही रहेंगे, पुशअप भी इतना ही रहेंगे 20, लेकिन इसका वेट बढ़ता रहेगा तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कितना बड़ा होगा कितना घटाओगे। बाकी मैं इसके 3-4 सेट मारता हूँ ताकि मेरी चेस्ट पंप हो जाए। वार्म अप हो गया हमारा, अब मेरी चेस्ट पंप हो गई बहुत ज़्यादा। देखो इससे बेस्ट लगता नहीं है मुझे कोई वार्म अप होगा, पर ये बहुत बेस्ट वार्म अप है। अब इसके बाद चेस्ट तो हमेशा चेस्ट में आपको पता ही कि शुरू में कौन कौन सी एक्सरसाइज लगाते हैं, इंक्लाइन डिक्लाइन और फ्लैट। तो पहले मैं फ्लैट शुरू करूँगा और वेट बढ़ाते जाएंगे अपने अकॉर्डिंग। आपका जो आपके अकॉर्डिंग जो वेट होगा वो बढ़ाओ। मैं तो सबसे पहला सेट 25-25 पे लेता हूँ। अब अपने हिसाब से देखो, चलो फ्लैट बेंच मारते हैं, उसके बाद इंक्लाइन डिक्लाइन। ये स्टार्टिंग सेट है मेरा, अब मैं इसमें 15 रेप्स मारूंगा और सेट मारूंगा मैं इसके 4, वेट बढ़ाता जाऊंगा अपने अकॉर्डिंग। तो इसका ना मैं लास्ट वाला इसका 1 रेप मैक्स भी ले सकता हूँ, वो मैं देखूंगा कि मेरी कोई मतलब कैपेसिटी क्या है, वो डिपेंड करेगी कि मैं आज 1 रेप मैक्स लूँगा या नहीं लूँगा। पहले मैं इसको मार रहा हूँ और इस चीज़ से कुछ करो, इससे कभी मत करना, बहुत डेंजरस होगा अगर आप ऐसे खाओगे, क्योंकि ये लॉक ना खुल सकता है और ये गिर जाएगा एक कम नीचे। तो आप इससे कुछ करो, इसको इससे ऐसे पकड़ के एकदम स्लोली ऊपर तेज आएगा नीचे धीरे आएगा। तो अभी हम इसमें वेट बढ़ाएंगे, इसका वेट कैसे बढ़ाएंगे हम, फिर हम 25 से मारा है, फिर हम 5 बढ़ाएंगे ऐसे हम 4 सेट्स तक 5-5 बढ़ाते रहेंगे। लास्ट वाला हम 40-40 यानी कि 100 kgs लेंगे लास्ट वाला 1 रैप मैक्स।
my darling, rose on fire. You're a liar. You say my darling, rose on fire. On fire. You say my darling, rose on fire. You're a liar. Shivers my spine so cold. Ye tha One Rap Max. ये वन रैप मैक्स था मेरा, जो कि 100 के जी से था, 20 40 40, और ये मेरा वन रैप मैक्स था। अब मारेंगे हम डिक्लाइन और इनक्लाइन। तो पहले शायद हम डिक्लाइन लेंगे। वैसे मैं डिक्लाइन नहीं मारता, मैं इंक्लाइन ही मारता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इस पहले मैं इंक्लाइन ही मारता हूँ, तो अभी मैं इंक्लाइन मारूंगा और उसके भी सेम ही इतने रैप जितने इसके रैप और सेट्स थे उसके भी सेम ही होंगे। चलो वो मारते हैं। अब बची है फ्लैट और हमारे ट्राइसेप। अभी फ्लैट मारेंगे, मतलब डंबल से फ्लैट मारेंगे। तो फ्लैट मारेंगे अभी, इससे मैं नीचे करूँगा फ्लैट मारूंगा। फ्लैट ही में 23 शुरू करता हूँ और एंड तक मैं 35 तक जाता हूँ, सब विद सपोर्ट लास्ट वाला। अभी मारते हैं इसको। अब मैं जाऊंगा नीचे और फ्लाई मारूंगा। तो चेस्ट की सारी एक्सरसाइज हो गई और ट्राइसेप का वार्म अप भी हो गया। अब मैं मारूंगा डबल हैंड डंबल, जो कि ट्राइसेप में मारते हैं पीछे, डबल हैंड बैक डंबल। अभी मैं स्टार्ट करूंगा 20 से और जाऊंगा लास्ट 35 तक। उसके भी सेम ही रहेंगे, 15 रैप्स और 4 सेट। और 4 सेट जो लूंगा मैं ड्रॉप सेट लूंगा, यानी कि मैं स्ट्रेट डिक्रीज करूँगा तो मेरी फेलियर ना आ जाए।
एक्सरसाइज डन, एक प्रेशर की, अब तीन बची हुई है, तीन एक्सरसाइज करनी है, तीन यानी कि अब मार देखते क्या मारेंगे, अभी चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। ट्राइसेप के लिए दूसरे एक्सरसाइज ट्राइसेप के लिए इसका ये और इसका कॉम्बिनेशन मारेंगे, मारेंगे 15, फिर इसको ऐसे दे देंगे, बिल्कुल होल्ड करेंगे नीचे जाके, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे अपने एल्बो को ग्राउंड से परपेंडिकुलर। हमको भाई हो गई हमारी ट्राइसेप की वाली एक्सरसाइज, और अब हम मारेंगे डबल हैंड बारबल। डबल हैंड बारबल क्योंकि ऐसे मारते हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा मशीन पे मारते, बहुत सारे लोगों ने मारी हुई है, मैं आपको मार के दिखाऊंगा कैसे मारते हैं। अभी मशीन फ्री होगी तो ये हो गई डबल हैंड बारबल कैसे मारते हैं। इसे लोगे आप तो जब आप मिलाओगे ऐसे करके और हाथ थोड़ा ऊपर निकलोगे, इसके आप 15 के चार सेट मारोगे सेम ऐसी। तो भाई हमारा वर्कआउट हो गया डन, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज। आज हमने चेस्ट और ट्राइसेप लगाया, दोनों अच्छे से पंप हो गए और एक्सरसाइज बहुत अच्छी हुई आज। ऐसे ही और एक्सरसाइज आगे और एक्सरसाइज की वीडियो डालूंगा मैं। आज तो खैर इतना ही था, आज पांच उसकी की और हमने तीन शायद आज उसकी ट्राइसेप की है, एक थोड़ा जल्दी कर जाना था तो कर नहीं पाए। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो कि मैं इस जिम में आता हूँ, आप भी आ सकते हो अगर आप पास में रहते हो तो।